Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture, we learn auto increment constraint. जी हाँ guys, इस lecture में हम देखेंगे auto increment constraint को, तो चलिए guys, शुरू करते हैं. तो first of all guys, last lecture में हमने cover किया था unique को, okay? और इस lecture में हम cover करेंगे auto increment, okay? और ये जितना भी काम हम गाइस सीएमडी पे कर रहे हैं, जितनी क्यूरी गाइस मैंने अभी तक यूज़ की है, आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल में, ठीक है, ओके. ये इसलिए मैंने सीएमडी को यूज़ किया ताकि आपको इसका भी हाउ नो होना चाहिए, ओके. तो देखिए, जैम्प के अंदर माई सीक्वल और बिन, और यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा माई सीक्वल, ओके, माई सीक्वल और हाइफन, यूज़र नेम क्या होगा, ओके, यूज़र नेम रूट, और पासवर्ड क्या होगा, कुछ भी नहीं है, और होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है, ओके ओके, इंटर करता हूँ, पासवर्ड कुछ भी नहीं है. और अभी अभी के लिए जैसे कि मैंने यूज़ करना है कौन सा डेटाबेस, यूनिवर्सिटी के नेम से, जो कि हम शुरू से ही यूज़ करते आ रहे हैं, ओके ओके. चेंज डेटाबेस चेंज होगी, ओके. अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ शो टेबल्स, तो अभी के लिए जो टेबल्स जो हमने क्रिएट किए थे, डाटा वन, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रिएट किए थे, तो मैं इनको डिलीट करता हूँ, ड्रॉप टेबल्स, ओके, टेबल्स और डाटा और डाटा वन, ओके ओके, क्यूरी ओके. और अब अगर मैं यहाँ पर शो टेबल्स करूँ, तो देखें दो टेबल्स ही रह गए हमारे पास, ठीक है, ओके. तो अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, तो क्रिएट टेबल शुरू से हम करते आ रहे हैं, टेबल का नेम डाटा, ओके. और यहाँ पर हम देते हैं नेम, आईडी इंटीजर का होगा. और अब हम बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्स्टेंट की, तो यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है. अगर मैं सिंपल यहाँ पर टेबल क्रिएट करके पहले दिखाऊँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है, अगर हम कॉन्स्टेंट यूज़ ना करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेम और यहाँ वेर केयर, ओके, और यहाँ पर 20, ओके. इस तरीके से हम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का होगा, ओके, इंटर. तो टेबल हमारा क्रिएट हो गया है. अगर इसमें डाटा इंसर्ट करना है मुझे, अब इंसर्ट इनटू टेबल, ओके ओके. तो यहाँ पर जो है इंसर्ट टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, तो हमको टेबल के जितने भी कॉलम है यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा. आईडी है, जैसे कि नेम है, ओके, और उसके बाद है एज, ओके. अब इसकी यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी हमें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 1, ओके, और उसके बाद नेम जो होगा वो होगा, ओके, यहाँ पर हम स्ट्रिंग में होगा, ओके, और उसके बाद एज 23, ठीक है, ओके. तो कुछ एरर दे रहा है, ओके. यहाँ पर है सर टेबल लिखते हैं, टेबल का नेम लिखना था हमें गाइस हमें, ठीक है. तो यहाँ पर टेबल का नेम आएगा जो हमने क्रिएट किया, तो टेबल का नेम क्या है, डाटा, ओके, क्यूरी ओके, वन रो फैक्टेड, ओके. तो अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर दिखाऊँ आपको एवरीथिंग फ्रॉम डाटा, ओके, सिलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम की स्पेलिंग रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम, ओके. तो अब आपको ये डाटा इस तरीके से शो हो रहा है टेबल में, ठीक है, ओके. तो अब अगर मैं डाटा इंसर्ट करूँ, इंसर्ट, अगर मैं यहाँ पर आईडी इंसर्ट ना करूँ, लेट्स से कि यहाँ से मैं आईडी को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी मैं आईडी को ख़त्म कर देता हूँ 1. तो देखिए, अब यहाँ पर डाटा इंसर्ट किया मैंने, क्यूरी ओके, आप सिलेक्ट क्यूरी लगाता हूँ, तो देखें यहाँ पर अब नल शो हो रहा है, मीन कि उसने ऐसे 1 तो मैंने पहले खुद राइट किया, अब नहीं करूँगा तो वो नल शो करेगा, ओके. तो ये चीज़ गलत है, ओके. तो अब हम इसको कैसे, हम ऐसे करते हैं, एक और टेबल क्रिएट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर डाटा 1 के नेम से एक टेबल लिया मैंने, क्रिएट टेबल कर रहा हूँ. अब देखिए आईडी क्या है, इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ओके. और यहाँ प्राइमरी की हम यूज़ करेंगे, प्राइमरी की अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी समझो प्राइमरी की लगाना मास्टर, ठीक है, ओके. तो जैसे मैं एंटर करूँगा क्यूरी ओके, और रो फैक्टेड 0 रो फैक्टेड, ओके ओके. तो यहाँ पर
अब मुझे इंसर्ट करना है डाटा इसके अंदर, तो इंसर्ट इनटू डाटा वन, क्योंकि डाटा वन के नेम से टेबल हमने क्रिएट किया। ओके, और यहाँ पर आप देखें, अब जैसे नेम है, एज है, अब मैं इसको आईडी नहीं दे रहा, मीन कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं करूँगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इंटर करता हूँ, क्यूरी ओके। और अब देखें सेलेक्ट का यूज़ करूँ मैं, तो देखें ओके, अच्छा ये हमारे पास है डाटा वन टेबल। ठीक है ओके, तो देखें ऑटोमेटिक उसने एक आईडी जनरेट कर दिया वन। ओके, अब अगर फिर से मैं अगर यहाँ पर जैसे कि ओके नेम चेंज करूँ यहाँ पर, ओके यहाँ पर हम एज जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो देखें ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है, आईडी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, यानी कि वन से टू इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इसे कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है ओके, तो अगर फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं एक दफ़ा और, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम कह देते हैं सिक्स, एंटर करता हूँ और सेलेक्ट, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो गाइज़ यही है ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, तो गाइज़ आपको उसका समझ आया होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्स्टेंट कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।